हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीपिका। वेलकम टू RGAD कॉमर्स क्लासेस। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट टॉपिक इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर NTA NET एग्जामिनेशन पेपर 1, UP TET, CTET एंड SuperTET। आपके पेपर 1 के लिए भी इम्पॉर्टेंट है NTA NET के, और UP TET के लिए भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से आते ही आते हैं, ठीक है। CTET के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और SuperTET के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। मैंने खुद ने क्लियर करके रखा है, इसलिए मैं बता रही हूँ कि ये किस किस जगह आपको यूज़ में आएगा, ठीक है। तो आप चाहे किसी की भी प्रिपरेशन कर रहे हो, UP TET, CTET, SuperTET, DSSB, है ना, सब में इम्पॉर्टेंट है ये आपका इंटरेस्ट टॉपिक, ठीक है। तो आज हम वही अपना इंटरेस्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब इंटरेस्ट टॉपिक को हम हिंदी इंग्लिश दोनों में लेके चलेंगे, जैसे हिंदी मीडियम वालों को भी प्रॉब्लम ना हो और इंग्लिश मीडियम वालों को भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। इंटरेस्ट हमारे बेसिकली 2 तरह से होते हैं, सबको पता है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, या फिर साधारण ब्याज, है ना, इसे सिंपल इंटरेस्ट बोल दें, ठीक है, या फिर इसे कंपाउंड इंटरेस्ट बोल दें, इसको बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, है ना, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। तो इंटरेस्ट हमारे 2 तरह के होते हैं, सबको पता है, ठीक। अब यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन हमारे आते हैं UP TET, CTET या SuperTET में, ठीक है, और आपके NTA NET के एग्जामिनेशन में भी ये है आपका इंटरेस्ट चैप्टर, इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक। अब देखो, इसको पढ़ने के लिए पहले इसको पढ़ेंगे, इसको पढ़ने के लिए हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। क्या पता होना चाहिए? नंबर 1, हमारा जो मूलधन होता है, मूलधन मतलब प्रिंसिपल। क्या होता है प्रिंसिपल? मतलब उधार दी गई या ली गई राशि, है ना, उधार दी गई, या फिर बोल सकते हैं इसको उधार दी गई या उधार ली गई राशि, है ना, उधार दी गई या उधार ली गई राशि हमारी क्या कहलाती है? मूलधन कहलाती है, है ना, क्या कहलाती है? मूलधन कहलाती है। इसका कहने का मतलब ये है कि जितना पैसा हमने किसी से लिया है या किसी को दिया है, ठीक है, स्टार्टिंग में जो अमाउंट होती है ना, जितना पैसा हमने मान लो किसी से लिया, हमने अपने फ्रेंड से 500 रुपीज़ लिए, ठीक, या हमने अपने फ्रेंड को 500 रुपीज़ दिए, तो देट इज़ प्रिंसिपल, ठीक। वही लिखा है इसमें, उधार दी गई या उधार ली गई राशि को हम क्या कहते हैं? मूलधन बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, अब क्या हो गया? मिश्र धन, हमें ये जानना पड़ेगा मिश्र धन क्या होता है। मिश्र धन मतलब हमारा अमाउंट क्या होता है, ठीक है। अमाउंट जो हमारा होता है उसको हम बोलते हैं मूलधन प्लस ब्याज। मतलब मूलधन अभी हमने पढ़ा प्रिंसिपल हुआ, ब्याज हमें पता है इंटरेस्ट होता है, तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। इसे ये भी बोल सकते हैं A = P + I, ठीक है। तो अमाउंट वो होती है कि अब मैंने अपने फ्रेंड को 500 रुपये दिए, उसने उधार मांगे थे, दिए, अब उसने मुझे 100 रुपये इंटरेस्ट लगा के दिए, तो कितने रुपए उसने मुझे वापस किए? 600 वापस किए। तो 600 जो अमाउंट आई वो हमारी क्या हुई? 600 जो हमारे पास अमाउंट आई वो हमारी क्या हो गई? अमाउंट हो गई। इंटरेस्ट क्या हुआ? 100 रुपीज़। प्रिंसिपल क्या था? 500, ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब देखो, अब ऐसे ही अगर हमें इंटरेस्ट निकालना हो, ठीक, तो इसी फॉर्मूले से हम सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। अमाउंट यहीं पे रखा है, ठीक है, ये प्लस में है, इधर आया, इज इक्वल टू क्या हो गया? माइनस हो गया, है ना, तो ये इज इक्वल टू इधर प्लस ही था, ये प्लस ही रहा, ठीक। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इज इक्वल टू इंटरेस्ट। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? वही तो फॉर्मूला है। अब देखो, इसको अब और हम क्या कर सकते हैं? मिश्र धन मतलब क्या था? अमाउंट था, ठीक है। अब हमें मान लो ये निकालना हो, मूलधन माइनस ब्याज, ये प्लस में इधर आया माइनस में, इज इक्वल टू ये माइनस में उधर गया प्लस में मूलधन, है ना, तो इसको हम बोल सकते हैं मिश्र धन अमाउंट माइनस इंटरेस्ट इज इक्वल टू मूलधन, अभी हमने पढ़ा था प्रिंसिपल, ठीक। तो ये आपके बेसिकली फॉर्मूले होते हैं, है ना। एक फॉर्मूला अगर आपको पता है, ये अगर पता है, तो इससे आप सारे निकाल लोगे। ए इज इक्वल टू पी प्लस आई होता है, तो ए माइनस पी इज इक्वल टू आई हो गया, है ना, और पी निकालना हो तो ए माइनस आई इज इक्वल टू पी हो गया, तो
तो ये आपके बेसिकली फॉर्मूले होते हैं, ठीक। ये आपको पता होने चाहिए, इस इनको इनके बिना पते हुए आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चंस हो गए। अब इस पर हम क्वेश्चन करते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, नॉर्मल वाले हैं, पीआरटी बाय 100 आपको लगाना है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पीआरटी बाय 100, है ना। तो ये आप लगा लोगे, ठीक है। तो जो थोड़े से टिपिकल होते हैं, ट्रिकी होते हैं एग्ज़ाम में, जहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं, वो वाले हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो अब हम लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल 20,000 रुपीज़ का 20% वार्षिक ब्याज की दर से 219 दिन का ब्याज बताइए, ठीक है। अब ये मान लो आपको निकालना हो, है ना। नॉर्मल वाले तो आप कर लोगे, ये वाले करने हो तो आप कैसे करोगे। आपको काटना अगर पता होगा, पी ये था प्रिंसिपल, आर क्या था ये था, टी क्या है टाइम है, पीआरटी बाई 100, ठीक है। दिन में दिया है इसलिए आप क्या करोगे, 365। लीप ईयर होगा तो एक दिन एक्स्ट्रा, ठीक। और अगर मंथ्स में होगा तो डिवाइडेड बाय 12 कर दोगे। मंथ्स वाला भी मैं करवाऊंगी। अब देखो इसे कट करना है, 10 से 10, 10 से 10, ठीक। अब ये कटेगा कैसे, आपका 73 से कटेगा, 73 3 जा 219 and 73 5 जा 365, ठीक। अब इसे आप कट करोगे, 5 4 जा 20 0 0 0 0 आप यहाँ लगा दो, 4 2 जा 8 4 जा 4 4 2 जा 8 8 8 8 16 2 24 2400 रुपीज़ आपका क्या आ गया, SI आ गया, ठीक है। तो ये आपका एक सिंपल सा क्वेश्चन कैलकुलेट हो गया। अब अगर हम मंथ्स वाला देख लेते हैं, ठीक, 24,000 रुपीज़ का 10% वार्षिक मतलब एनुअल है, ठीक है, साधारण ब्याज की दर से 8 माह का ब्याज बताइए, ब्याज बताइए। अब आप कैसे निकालोगे, है ना। ये अगर आपको निकालना हो तो सिंपल सा है, कुछ भी इसमें ऐसा डिफिकल्ट नहीं है। क्या करोगे, 24,000 × PR × T/100, और ये हमने बताया था अगर मंथ्स में होगा तो डिवाइडेड बाय 12 कर दोगे। 10 से 10 कटा 10 से 10 कटा, 4 जा 4 4 2 जा 8 4 जा 4 2 जा 8 12 3 7 21 3 8 जा 24 0 0 8 1 जा 16 1600 रुपीज़ आपका आ गया। तो ये वाला और ये वाला आपको मैंने बता दिया, सिंपल होगा तो वो आप इजीली कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। अब हम इसके बाद नेक्स्ट वाली वीडियो में, अगर इस वीडियो में किसी को कोई भी प्रॉब्लम हुई हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए अपनी क्वेरीज़, ठीक है। और अगर वीडियोस पसंद आया हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, UP TET CET DEE SSB या फिर NTA NET पेपर वन के लिए, सबके लिए ये टॉपिक आपका इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और इसकी अपकमिंग वीडियो में हम पूरा Type 1 Type 2 ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं गुना पे आधारित, है ना, वो वाले क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आजकल के ट्रेंड में पूछे जाते हैं वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। वो थोड़े से ट्रिकी वाले होते हैं, बट आई मेक यू श्योर कि आपको समझ में आ जाएगा, शॉर्ट ट्रिक से हम उसे पढ़ेंगे, ठीक, नेक्स्ट वाली वीडियो में। और नेक्स्ट वाली वीडियो में आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। So it was in this video. Meet you in my next video. Till then, stay happy and keep learning. Thank you. Thank you for watching.